दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत के फिल्मी करियर के बारे में। कंगना रनौत एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी काबिलियत और हौसले के दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कंगना का पूरा नाम कंगना अमरदीप रनौत है, जिनका जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के एक छोटे से शहर भांबला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी माँ आशा रनौत एक स्कूल टीचर हैं और उनके पिता अमरदीप रनौत एक व्यवसायी हैं। कंगना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से करने का फैसला लिया था, लेकिन वे अपने मॉडलिंग के काम से संतुष्ट नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने मॉडलिंग को छोड़कर अभिनय करने का फैसला लिया और इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे प्ले भी किए जिसमें उन्होंने अच्छा अभिनय और जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई और उन्हें मुंबई जाने के लिए जोर दिया गया और कंगना मुंबई आ गईं। दोस्तों अभिनय सीखने के बाद कंगना ने फिल्मों में काम करने के लिए कठिन परिश्रम किया और उनके द्वारा किया गया परिश्रम खाली नहीं गया और निर्देशक अनुराग बासु रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में उन्हें अभिनय का मौका मिल गया। इस फिल्म के समय कंगना केवल 17 साल की थी और इस फिल्म से कंगना को बहुत लोकप्रियता मिली। कंगना की अगली फिल्म 2006 में आई थी जिसका नाम वो लम्हे था। इस फिल्म में भी कंगना ने अपने अभिनय से लोगों को बहुत प्रभावित किया दोस्तों और लोकप्रिय हो गईं। इसके बाद वर्ष 2008 में कंगना को फिल्म फैशन में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनके साथ सह अभिनेत्री के रूप में प्रियंका चोपड़ा ने भी काम किया था। फिल्म फैशन एक सफल फिल्म साबित हुई थी। कंगना को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कंगना ने इसके बाद भी कई फिल्मों में काम किया। कंगना को कुछ फिल्मों से काफी लोकप्रियता मिली दोस्तों, जिनमें है तनु वर्स मनु रिटर्न्स, शूट आउट एट वाडला, क्रिश 3, ये सब शामिल हैं। कंगना का सफर सफलता की ऊंचाइयों को छूता चला गया और ये रुकी नहीं और इनकी फिल्म क्वीन में इन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद कंगना को लोगों के द्वारा क्वीन नाम दे दिया गया। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वो अपने आप को लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट करती रहती हैं। दोस्तों कंगना अमरदीप रनौत महिलाओं के नेतृत्व वाली फिल्मों में मजबूत इरादों वाली अपरंपरागत महिलाओं के अपने चित्रण के लिए ये जानी जाती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कंगना रनौत के बारे में ये सब जानकर? पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।